हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चेक कैसे करते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। मतलब किसी भी इक्वेशन को हम चेक कैसे करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। वो तीन मेथड कौन कौन से है पहले वो देख लो, ठीक है ना। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक एक करके हम तीनों को समझेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब वो क्या होता है, हम कैसे देखेंगे इसको, ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, 6x स्क्वायर, यहां मैं लिखता हूं 6x स्क्वायर -x -2 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें सबसे पहले देखो ये वाला नंबर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और जो फ्री टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा, -12। और देखो एक्स का कोफिशियंट क्या है, -1। तो ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, -1। मीन्स हमें दो नंबर ए और बी ऐसे सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आता हो और ऐड करने पे -1 आता हो। तो ऐसे नंबर वो कैसे मिलेंगे, हम पहले 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर 2, 6, फिर 2 से कट करो 3, फिर 3 से कट करो, तो ये आएगा हमारे पास फैक्टर। अब इन्हीं का पेयर बनाएंगे, जैसे ये दोनों एक साथ ले लिया, ये अलग ले लिया। तो अगर मैं +4 और -3 लेता हूं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने पे हमें -1 नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -4 और +3 लेकर के देखते हैं। इनको देखो मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है और ऐड करने पे -1 भी आ रहा है, यानी दो पेयर हमारे पास क्या होंगे, -4 और 3। तो ये जो इसका मिडिल टर्म है, इसी को हम क्या करेंगे, दो टर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो इस देखो पहले टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे ही रहने देना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कौन से दो नंबर मिले, -4 और 3। तो इसको दो टर्म हम बना लेंगे, -4x और +3x। तो -4x और +3x हमें क्या मिलता है, -x मिलता है, -2 ऐसे ही लिख देना, इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो चुका, दो पार्ट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किसका किसका करेंगे, दो टर्म स्टार्टिंग वाले ले लो, तो 6x स्क्वायर और -4x, ये अलग लिखो और ऐसे अलग ये लिखो 3x-2। ऐसे हमने पेयरिंग कर ली, दो अलग दो अलग। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3x और -2। इन दोनों में से देखो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x और -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन ले लो, क्या बचा 3x-2 कॉमन लेने के बाद हमें क्या क्या बचेगा, एक तो 2x बचेगा और दूसरा प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये स्प्लिट हो गया, हमें रूट चाहिए। तो बारी बारी से देखो, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तब होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। इसका मतलब क्या है, 3x-2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और 2x+1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से 2x इक्वल टू क्या आएगा, -1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। सेम ऐसे इधर 3x इक्वल टू क्या आएगा, 2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो x की वैल्यू या फिर 2/3 होगा या 1/2 नेगेटिव में होगा। तो ये दोनों इसके क्या है, रूट्स हैं। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, इसी को रूट्स बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। तो रूट्स आ गए हमारे पास 2/3 और -1/2। इनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं जब दो रूट्स होते हैं। तो अल्फा हो गया 2/3 और बीटा हो गया -1/2। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हो तुम, ठीक है, इसको बीटा और इसको अल्फा भी ले सकते हो। तो ये दो रूट्स हो गए। ये हमारा मेथड था, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, मैं ले लेता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस का टू इक्वल टू क्या मिल गया हमें, जीरो मिल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, फिर वही काम, देखो ध्यान से इधर समझना, ठीक है ना। इधर समझोगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टू थ्री जा सिक्स, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए सिक्स, और ऐड करने पे हमें क्या चाहिए एक्स का कोफिशियंट, देखो इधर क्या है माइनस टू रूट सिक्स। अब ऐसे दो नंबर हमें चाहिए, अब वो क्या क्या मिलेंगे ध्यान से देखो। अगर मैं इनको देखो मल्टीप्लाई करने पे सिक्स और ऐड करने पे माइनस, ध्यान से अगर तुम दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, माइनस सिक्स और माइनस रूट सिक्स, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स मिलेगा, ऐड करने पे क्या मिलेगा टू रूट सिक्स प्लस का मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें दोनों में माइनस लगा दिया, तो हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिट किया क्या माइनस रूट सिक्स और माइनस रूट सिक्स, तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स, दो टर्म में स्प्लिट हो गया, प्लस का क्या टू इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, रूट थ्री और एक्स कॉमन है, कैसे, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, तो इसलिए रूट थ्री बच गया। तो यहां क्या बचा, रूट थ्री एक्स बचा, माइनस रूट थ्री निकला तो क्या बचा रूट का टू बचा। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, रूट टू कॉमन है, तो रूट टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा और रूट टू बचेगा, इक्वल टू क्या मिला जीरो। अब देखो दो ब्रैकेट बने, कौन कौन से, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू एक ब्रैकेट में लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू एक ब्रैकेट में लिखोगे, दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब दोनों रूट इसके क्या आएंगे इक्वल आएंगे, बारी बारी से इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू, ये रूट में था ध्यान रखना, रूट टू बाई रूट थ्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे और करके लिख लेना दूसरा वाला टर्म, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, सेम प्रोसीजर है सेम चीज है, रूट टू ये किसके इक्वल आया रूट थ्री एक्स के, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा रूट टू अपान में रूट थ्री, तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई। दो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू में क्या दिया है जीरो। अब यहां पर भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तुम्हें, अब वो कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, टू थ्री जा सिक्स, ऐड करने पे क्या चाहिए हमें माइनस का फाइव, यहाँ साफ साफ दिख रहा है टू और थ्री ले लें, अगर दोनों माइनस का ले लें तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा माइनस फाइव और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा सिक्स मिल जाएगा, तो ये दो नंबर हमारे पास क्या क्या आ गए माइनस टू और माइनस थ्री, तो इसको क्या करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन है, टू और एक्स कॉमन है, क्या बचा एक्स माइनस वन, इन दोनों में से माइनस, यहां से क्या कॉमन है थ्री, तो क्या बचा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या बचा यहाँ पे एक्स माइनस वन, दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन आ गया और टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद देखो क्या आया, बारी बारी से जीरो पुट करेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू यहां से क्या आया थ्री और एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, यहां से देखो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा वन, तो ये दो जीरो आ गए कौन कौन से वन और थ्री बाई टू। तो ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा।